हॉलैंड यानी कि द नेदरलैंड्स एरिया के हिसाब से भारत के पंजाब राज्य के बराबर है, लेकिन डेयरी एक्सपोर्ट के मामले में वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इसकी वजह है हॉलैंड की डेयरी टेक्निक। हॉलैंड अपनी तकनीक के बलबूते पर आज अपने दूध उत्पादन का 65% एक्सपोर्ट कर देता है। हालांकि आपको बता दें कि अभी भारत पूरी दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में नंबर एक पर कायम है, लेकिन डेयरी टेक्नोलॉजी के मामले में वो हॉलैंड से काफ़ी पीछे है। हॉलैंड के एग्रीकल्चर काउंसिलर मिशेल वन एरकेल के अनुसार हॉलैंड सरकार भारत के साथ अपनी डेयरी तकनीक साझा करेगी और भारत के साउदर्न उत्तर प्रदेश में जल्दी ही एक डेयरी ट्रेडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि DTCE खोलेगी। हॉलैंड सरकार का प्लान यूपी में इस DTCE खुलने के बाद भारत में और कई जगहों पर ऐसे ही डेयरी ट्रेडिंग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने पर है। इसके साथ ही हॉलैंड सरकार हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी भारत में कई जगहों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने का विचार कर रही है। एग्रीकल्चर काउंसलर मिशेल के अनुसार हॉलैंड सरकार भारतीय फ्लोरिकल्चरिस्ट को उनके प्रोडक्ट्स को पैकिंग और देश विदेश में बेचने की टेक्निक भी सिखाएंगे। यह DTCE यानी डेयरी ट्रेडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी किसानों को डच टेक्नोलॉजी में पारंगत बनाएगी, जिससे कि दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ेंगी। इन सब के अलावा DTCE डेयरी किसानों को मार्केटिंग के गुर और फार्म मैनेजमेंट भी सिखाएगी और उन्हें ट्रेनिंग भी देगी। हॉलैंड की तर्ज पर भारत में इन सारे DTCE के पास एक छोटा चीज प्लांट भी खोला जाएगा। एग्रीकल्चर काउंसलर मिशेल के अनुसार हॉलैंड में प्रत्येक गाय भारत के मुकाबले ज़्यादा दूध देती है और वहाँ पर दो या तीन व्यक्ति 150 गायों के फार्म को मैनेज कर लेते हैं, जबकि भारत में दो या तीन व्यक्ति सिर्फ 10 से 20 गायों को ही संभाल पाते हैं। यही हॉलैंड की तकनीक का कमाल है। आशा है कि भारत भी इसी तकनीक को अपनाएगा और डेयरी फार्मिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाने में कामयाब होगा। अब आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए हमें बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।